नमस्कार, मैं हूँ जोया खान और पावर ऑफ वन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि काफ़ी कम लोग जानते हैं कि आज मून लैंडिंग डे यानी कि चंद्र अवतरण दिवस है, तो उसी सिलसिले में नागपुर के रमन साइंस सेंटर में आज एक विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तो उसी सिलसिले में आज हम मुलाकात करेंगे रमन साइंस सेंटर के क्यूरेटर मनोज कुमार पांडा जी से। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि आज चंद्रमा से रिलेटेड कुछ खास बात क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज चंद्रमा अवतरण दिवस है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारियाँ देना चाहेंगे? जी, आज हम अलग अलग नाम पर हम लोग आज का जो दिन है उसको हम पालन कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने इसको इंटरनेशनल मून डे के नाम में नामित किया है और हम लोगों ने उसको मून लैंडिंग डे में उसको मना रहे हैं। मानव पहले बार चंद्रमा के सतह पर अपना ये फुटस्टेप्स जो दिए थे, तो जो लैंडिंग किया था, तो उस जो चीज़ को हम जो विषय को हमको याद करने के लिए रमन विज्ञान केंद्र ने एक नया शो का भी अरेंजमेंट किया है जो कि गोलकपुर विज्ञान जो हमारा जो शो है साइंस एंड स्पेयर शो, तो चंद्रमा के ऊपर हम एक अलग से शो हम बनाया है और उसका भी हम काफ़ी बच्चों ने उसको देखा है और काफ़ी उत्साहित हुए हैं। तो इसमें अलग अलग स्कूल से काफ़ी बच्चे, टीचर्स और इवन द जनरल पब्लिक ऑल्सो पार्टिसिपेट किए हैं और जो भी हमारा लूनर मिशन है तो उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है और हमारा जो चंद्रमा के जो है जल का जो आवरण है उसका जलवायु कैसा है और उसका ग्रेविटी कैसा है, नंबर ऑफ ड्यूरेशंस रोटेशंस कैसे रहता है और एक जो एस्ट्रोनॉमर जो एंथुसियास्ट हैं, तो एक प्लैनेट को अगर हम देखेंगे स्पेस में अगर अध्ययन करना है, इसका रिसर्च करना है, तो क्या क्या हमको जानकारी हमको ज़रूरत है और जो फोटोग्राफ्स है जो कि सैटेलाइट इमेजेस है जो लिया गया है चंद्रमा का साथ अलग अलग प्रपोज के लिए, वो भी इस पूरा विस्तार के साथ डॉक्टर श्रीनिवासन साहब उसको बच्चों को समझाया है। और आने वाले समय में हमको ऐसे कुछ चैलेंजेस लेना है जो कि हमारे हिस्ट्री में याद रख सकें। क्या प्रतिसाद रहा आज जो स्कूल के बच्चे आए थे, उनके पेरेंट्स भी थे और उनके टीचर्स भी थे, तो उनसे क्या प्रतिसाद मिला और क्या उनको इन सब बारे में पूरी तरीके से जानकारी या नॉलेज था पहले से? देखिए, जो ये है ऐतिहासिक विषय है क्योंकि मून लैंडिंग तो नहीं है, नया नहीं है, ये काफ़ी दिन से हमको सबको मालूम है, लेकिन हम क्या है हम उसके पर हम समय नहीं दे पाते हैं अपना जो बिजी शेड्यूल में पढ़ाई के बोलिए या और कुछ काम में, तो हमको फिर भी हमको ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है और काम निकालना है और तब जाके आप कुछ नया चीज़ डीपली आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैं अभी बोला है अगर चंद्रमा के जल अगर कहाँ कहाँ सच्चे में है, क्या अगर है जल है तो कौन सा फॉर्म में है, अगर देखना है तो आपको उसका सैटेलाइट इमेज आपको देखना ज़रूरी है। तो आप जब इस लेक्चर में आएंगे वो सब आप लाइव देख पाएंगे किस स्टेज में है। और अगर हम बोलते हैं कि उसका ग्रेविटी 160 तो कैसा है और कौन सा रिसर्च उसमें चल रहा है चंद्रमा के ऊपर, तो जब आप रियल टाइम आप देख पाएंगे तब जाके आप अनुभव कर पाएंगे कि एक्चुअली रियलिस्टिक क्या है। एक आखिरी सवाल है, सवाल तो नहीं बस कहना ये चाहते हैं कि जो इन सब चीज़ों में जिनको जानकारियाँ रखने नहीं रख पाते हैं या जिनको नॉलेज नहीं है या जो जानबूझ के नहीं रखना चाहते, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि मोबाइल फ़ोन का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है, तो इन सब चीज़ों से आज के स्टूडेंट्स जो है आज की युवा पीढ़ी दूर होते जा रही है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, युवा पीढ़ी ज़्यादा तक मोबाइल में रहती है और गूगल में रहती है और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रहती है, लेकिन साथ साथ मैं ये बोलता हूँ कि एक रिवोल्यूशन भी आया है, दे आल्सो नोइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो जितना सक्सेस रेट नहीं था, अभी काफ़ी सक्सेस रेट आया है, तो मैं बोलता हूँ कि सोशल में अच्छा है, उसके साथ तो उनका पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ साथ हमको उसके बजाय भी अदर देन द स्टडीज एंड आपका जो हैबिट्स कुछ टाइम हमको निकालना ज़रूरी है जो कि आप खुद के लिए इन्वेस्ट करोगे और खुद का नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज नॉलेज गेनिंग, वन थिंग इज दैट। तो आज हम जो भी मून के बारे में जो भी आज सीखा है इतने बच्चों ने अपने साइंस से शेयर किया है, तो हमको वही बोला है कि आप बाकी लोगों से भी आप शेयर कीजिए
सो दैट दे मे बी इंटरेस्टेड इन, नॉट एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, स्पेस मीन सबका इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसका अलग अलग खूबी रहता है. तो आप अलग अलग जब इंडियन साइंटिस्ट आएंगे रमन विज्ञान केंद्र में, तब आप आइए और उनका लेक्चर आप सुनिए. तो आपको क्या है, ना ही केवल आपका ओन सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में आपका नॉलेज बढ़ेगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए. तो ये थे हमारे साथ श्री मनोज कुमार जी पांडा, जो कि रमन साइंस सेंटर के क्यूरेटर हैं. इन्होंने आज के दिन की कुछ जानकारियाँ हमसे साझा की हैं. होप सो कि आपको ये जानकारियाँ समझ आई होगी और होप सो कि आपको हमारा ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा. तो बने रहिए पावर ऑफ वन न्यूज़ के साथ. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. नमस्कार.